बनारस कलाकारों की नगरी है, विद्वानों की नगरी है। इसी काशी नगरी में संस्कृत और संगीत के विद्वान पंडित सुखदेव प्रसाद के यहाँ तीसरी संतान के जन्म का वक्त था। घर में दो बेटियाँ पहले से थी। एक बेटी का नाम उन्होंने बड़े प्यार से रखा था अलखनंदा और दूसरी का तारा। दीपावली से ठीक दो दिन पहले पंडित सुखदेव प्रसाद के यहाँ तीसरी बेटी का जन्म हुआ। जन्म धनतेरस के दिन हुआ था, इसलिए नाम रख दिया गया धन्नो। ये कहानी है महान कथक नृत्यांगना सितारा देवी की। सितारा देवी का जन्म 8 नवंबर 1920 को हुआ था। पिता संगीत के विद्वान थे, इसीलिए घर में संगीत और नृत्य की आवाज़ उसकी झनकार धन्नो के कानों में लगातार पड़ रही थी। ये वाक्य तब का है जब धन्नो करीब 8 साल की थी। धन्नो के स्कूल में सावित्री सत्यवान नाम से एक नृत्य नाटिका होने वाली थी। उस 8 बरस की बच्ची ने अपनी टीचर से कहा कि वो इस नृत्य नाटिका की नृत्य संरचना तैयार करना चाहती है। कोरियोग्राफी शब्द की परिभाषा शायद ही तब तक प्रचलित हुई हो। पहले तो उनका मजाक उड़ा, लेकिन अगले दिन इस कार्यक्रम की खबर भी छपी। साथ ही ये भी जानकारी आई कि इस नृत्य नाटिका को धन्नो ने तैयार किया था, तो घरवाले चौंक गए। इसी दौरान वो घटना हुई जिसने धन्नो को सितारा बना दिया। धन्नो एक बार अपने परिवार के साथ एक कार्यक्रम में गई थी। जिस कार्यक्रम में वो गई थी वहाँ भी दो लड़कियाँ थी, एक का नाम था तारा, दूसरी का सितारा। वहाँ से घर लौटने के बाद उन्होंने पिता सुखदेव प्रसाद से जिद की कि उनका नाम भी बदलकर सितारा रखा जाए। सितारा देवी के जीवन में दो घटनाएं और खास रही। एक तो उनका लखनऊ घराने के बड़े कलाकार अच्छन महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज से विधिवत कथक सीखना, और दूसरा सितारा देवी जब करीब 12 साल की थी तभी उन्हें निरंजन शर्मा ने अपने फिल्म के लिए साइन किया था। उन्होंने 1930 के दशक में सितारा देवी को पहली बार फिल्मों में आने के लिए पूरे परिवार के साथ बॉम्बे आने का न्योता दिया। ये भी जानना जरूरी है कि सितारा देवी ने अच्छन महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज से शिक्षा तो लखनऊ घराने की ली, लेकिन धीरे धीरे अपनी एक अलग शैली विकसित की। अपनी इसी अलग शैली से उन्होंने बनारस घराने में कथक का विस्तार किया। इस शैली में शुद्धता पर जमकर जोर दिया गया। उन्होंने तबला पखावज के बोलों की बजाय नृत्य के शुद्ध बोलों का इस्तेमाल ज्यादा किया। ये वो दौर था जब कथक के नाम पर लखनऊ, जयपुर और रायगढ़ जैसे घराने ज्यादा प्रचलित थे, लेकिन सितारा देवी ने बनारस घराने को एक खास पहचान दी। ये भी एक बड़ी वजह रही कि बड़े नामों से शिक्षा लेने के बाद भी सितारा देवी ने अपनी पहचान जल्द ही बना ली। सितारा देवी तब सिर्फ 16 बरस की थी जब एक कार्यक्रम में पंडित रविंद्रनाथ टैगोर आए थे। सफेद दाढ़ी, एकदम दिव्य पुरुष की छवि वाले पंडित टैगोर ने सितारा देवी को उनके कार्यक्रम के बाद बुलाया और इनाम दिया। सितारा देवी के पिता ने बेटी से कहा कि वो पंडित रविंद्रनाथ टैगोर से उनकी भाषा में कहे कि वो उन्हें कुछ लिख कर दे। कोलकाता में बचपन बीता था, इसीलिए सितारा देवी को भी थोड़ी बहुत बंगाली आती थी। उन्होंने अपनी ये इच्छा टैगोर जी को बताई। तब पंडित रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि से लिख कर नवाजा। सितारा देवी के नृत्य की खासियत उनका भाव पक्ष था। आप उन्हें दुर्गा या काली परण करते देखिए तो ऐसा लगता था कि आप साक्षात माँ दुर्गा या काली को देख रहे हो। सितारा देवी के जीवन का संघर्ष उनके इन भावों में दिखता था। संघर्ष अपनी पहचान बनाने का, संघर्ष समाज से लड़ने का। दरअसल सितारा देवी ने जब नृत्य की दुनिया में कदम रखा था तो समाज में उनके परिवार का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन पिता ने हमेशा साथ दिया। अपने पिता का ये अंदाज बेटी को भी मिला। सितारा देवी भी बिंदास थी, उन्होंने अपने चाहने वालों के प्यार के अलावा किसी और बात की परवाह नहीं की। यहाँ तक कि जब उन्हें पद्म भूषण देने की बात आई तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8 नवंबर को उनके जन्मदिन पर गूगल ने उनकी तस्वीर से डूडल बनाया था। राजगिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।